राम राम मधुर धुन वहां। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ताकि बारंबार ये जो लड़ाई झगड़े हमारे होते हैं ये ना हो। लिखते हैं केशव कि राधिका भी मेरी बात से सहमत थी। हमने सोचना शुरू किया कि हमें क्या करना होगा। सोचते सोचते हम एक बात पर सहमत हुए, वो ये कि ये तो निश्चित है कि हमारे बीच मतभेद तो होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। अब इनसे बाहर कैसे निकला जाए? बहुत सोच विचार के बाद हमने पहला कदम ये उठाया कि आज के पहले जो भी घटनाएं घटी जिससे मैं हट हुआ या राधिका हट हुई है, उन बातों की चर्चा आज के बाद नहीं होगी। पहला कदम कि आज के पहले जो भी घटनाएं घटी जिससे मैं हट हुआ या राधिका हट हुई है, उन बातों की चर्चा आज के बाद नहीं होगी। क्योंकि होता क्या था, जब कोई भी घटना घटती, मैं हट होता या राधिका हट होती, जिस वक्त हम हर्ट होते उस बात को मन में बिठा लेते, कुछ नहीं कहते थे। फिर दोबारा घटना घटी, फिर मन में बिठा लिया। जब यहाँ तक भर जाते, फिर छोटी सी घटना घटती, पूरा गुबार बाहर निकलता, फिर वही गलत फहमियाँ और दूरियाँ। तो पहला निर्णय हमने ये लिया कि आज के पहले जो भी घटनाएं घटी, मैं हर्ट हुआ या राधिका हर्ट हुई है, उस बाबत चर्चा आज के बाद नहीं होगी। दूसरा कदम हमने उठाया कि दिन भर में कोई भी घटना घटती है जिससे मैं हर्ट होता हूँ या राधिका हर्ट होती है, रात को सोने के पहले अपनी बात सीधे सरल शब्दों में सामने वाले से कह देनी है। बात वाणी में, बात करते वक्त वाणी में तेजी नहीं आनी चाहिए। दिन भर में कोई भी घटना घटी जिससे मैं हट हुआ या राधिका हट हुई है, रात को सोने के पहले हमें एक दूसरे से सीधी सरल भाषा में कह देना है, वाणी में तेजी नहीं लाना है। यदि ऐसा लगता है कि वाणी में तेजी आने की संभावना है तो लिख कर दीजिए, पर यदि रात को आपने बात नहीं कही, सेकेंड डे न तो आप शिकायत कर सकते हैं न ही उस बात की चर्चा कर सकते हैं। रात गई, बात गई, नो कैरी फॉरवर्ड। लिखते हैं केशव कि हमने इस नियम का बहुत शिद्दत से पालन किया। कई बार ऐसा होता कि पुरानी बातें, कोई घटना घटती, हर्ट होते, पुरानी बातें याद आती, लेकिन नियम ले रखा था कि पुरानी बातों की चर्चा नहीं होगी, मौन ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता कि रात को देरी हो जाती बाहर से आने में और सुबह जल्दी भी उठना होता, फिर भी अपनी बात कह के ही सोते। लिखते हैं केशव, इसका नतीजा ये रहा कि हमारे घर में वापस वही उत्साह का सा वातावरण लगा और दिनों दिन हमारी बॉन्डिंग बढ़ती चली गई। लिखते हैं केशव कि हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आज भी हम न्यूली मैरिड कपल की तरह हाथ में हाथ थामे घूमते हैं। केशव के भाव दर्शाता एक गीत।
केशव लिखते हैं कि मैंने तो ये तकनीक अपने जीवन साथी के साथ अपनाई। आप इस तकनीक को किसी भी रिश्ते के साथ अपना सकते हैं। सास बहू है, दौरानी जिठानी है, ननद भाभी है, सहेलियां हैं, बहुत रिश्ते हैं, आप ये तकनीक अपना सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपका ये जो बारंबार अपसेट होने वाला मूड अब हमेशा अच्छा रहने लगा है। और जो ही आपका मूड सही रहने लगा, आसानी से सरलता से आप सेवन स्टार लाइफ खुद भी जी रहे हैं और दूसरों को भी जीने दे रहे हैं। केशव ने अपनी बात आपके साथ साझा की। अब बात करते हैं कल्याणी की। पानी पिलाना। श्रीमती कल्याणी लिखती हैं कि मैं वर्किंग वुमेन हूं। उस दिन शुक्रवार का दिन था। चूंकि हमारी ऑफिस में शनिवार रविवार दो दिन की छुट्टी होती है, इसलिए शुक्रवार को हमें ढेर सारे काम पूरे करने होते हैं। उस दिन भी कामों की एक लंबी लिस्ट मेरे सामने थी। उन्हें पूरा करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और घर जाने का समय भी हो गया। मैंने अपना काम वाइंड अप किया, अपना पर्स उठाया, ऑफिस से बाहर निकली घर जाने के लिए। जब मैं नीचे उतरी, मेन रोड पर पहुंची, टैक्सी पकड़ी, मैं बेहद थकी हुई थी और किसी कारण से मेरा मूड भी अपसेट था। टैक्सी घर की ओर रवाना हुई। लिखती है कल्याणी कि मेरी ऑफिस और मेरे घर के बीच रास्ते में समुद्र पड़ता है। जब टैक्सी समुद्र किनारे से आगे बढ़ रही थी, मेरे मन में भाव आया कि शरीर में थकावट भी है और मूड भी अपसेट है, क्यों न थोड़ी देर समुद्र किनारे टहल लिया जाए ताकि मेरे मन को कुछ अच्छा लगे। इस भाव से मैंने समुद्र किनारे टैक्सी रोकी। जो ही मैं टैक्सी से बाहर निकली, ठंडी ठंडी बहती हवा ने मेरा स्वागत किया। मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। आगे बढ़ी, बड़ा सारा नारंगी रंग का ढलता हुआ सूरज दिखाई दिया। उसे देखकर भी मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। समुद्र किनारे ढेर सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियों से वातावरण गूंज रहा था। वो देखकर भी मुझे अच्छा महसूस हुआ। मैं आगे गई, पानी में जाकर खड़ी हो गई। ठंडी ठंडी पानी की लहरें आती मेरे पैरों को छूती चली जाती, आती छूती चली जाती। इन लहरों का, ठंडे पानी की लहरों का आना, मेरे पैरों को छूना, चले जाना मुझे अच्छा महसूस करवा रहा था। लिखती कल्याणी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर ये अच्छा महसूस होना बहुत देर तक टिका नहीं, क्योंकि एक अंदाजन 10-12 साल की लड़की मेरे लेफ्ट हैंड साइड से दौड़ती हुई आई और मुझे धक्का देकर आगे दौड़ गई। वो तो अच्छा हुआ मैं बच गई, अन्यथा मैं कीचड़ में गिर जाती। मैंने गुस्से से उसे देखा। 15-20 कदम जाके वो थम गई। जो ही वो रुकी, मैं तेजी से भागी उसे गुस्से में 4 बातें सुनाने के लिए। जब मैं वहां नजदीक पहुंची तो मैं देखा कि वहां पहले से ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो अंदाजन होगा 45-50 साल का। ये लड़की थी 10-12 साल की। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि इनकी बातें पूरी होने के बाद मैं अपनी 4 बातें से सुनाऊंगी। मैं वहां खड़ी रही। मैंने सुना कि 10-12 साल की जो लड़की थी वो जोर से चिल्लाई जो व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था उस पर, कि पापा आपको पता है ना, ये जगह मुझे सख्त ना पसंद है, फिर भी आप रोज यहाँ पर क्यों आते हैं? मेरे इतना मना करने के बावजूद भी आप रोज इधर क्यों आते हैं? चिल्लाई जोर से। और मैंने देखा उसके चिल्लाने पर जो व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था
चश्मा पहन रखा था, चश्मा उतारा उसने, उसकी आंखें गीली थी। भर्राए गले से बोला कि बेटा मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह सख्त नापसंद है, लेकिन मैं इस जगह को नापसंद नहीं कर सकता क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर पड़ी मिली थी। ये सही है कि जब सुनामी आया था इस समुद्र की तूफानी लहरों ने मेरे पूरे परिवार को निकल दिया, तुम्हारे पूरे परिवार को निकल दिया, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कि इसी समुद्र किनारे तुम हमें बेहोश पड़ी अवस्था में मिली थी। जो ही हमारी नजर और बचाव दल की नजर तुम पर पड़ी, हमने झट तुम्हें उठाया और नजदीक के अस्पताल में ले गए। 24 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जब तुम्हें होश आया, मुझे जीने का सहारा मिला। मैं नहीं भूल सकता, यदि आज तुम न होते तो मैं भी जिंदा नहीं होता। मैं तो इस समुद्र का धन्यवाद करने आता हूँ रोज कि इसने मुझे तुम जैसी बेटी दी। तुम न होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। कहते कहते रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू देख वो बेटी रोने लगी। लिखती है कल्याणी कि उन दोनों की आंखों में आंसू देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने धीरे धीरे अपने कदम पीछे किए। मुझे गिल्ट भी हो रहा था कि मैंने उनकी पर्सनल बातें सुनी।